वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आया हूँ, ये लेकर आया हूँ BHEL अप्रेंटिसशिप की। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में आप जानते ही हैं। देखो भाई, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सबसे पहले आपको बता दूँ, ये जो अप्रेंटिसशिप निकली है ये सिर्फ MP वाले बच्चों के लिए निकली है। अदर स्टेट के बच्चे इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपने ITI SCVT से किया है तो आप इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते, आपका ITI NCVT से क्लियर होना जरूरी है। आई होप कि ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी होगी और आपका समय बचाया होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। आपका जो टाइम बचेगा वो किसी और जगह पे आप लोग लगाना, जिससे कि आप लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है। बाकी जिनके लिए अप्रेंटिसशिप है उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, ताकि उनको पता चल पाए कि कैसे वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या उनका क्राइटेरिया है। बाकी अगर मुझे लगा कि आप लोग को और भी अपडेट चाहिए इससे रिलेटेड, तो मैं आपके लिए और भी वीडियो बना दूंगा। आप ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपको बता दूँ, BHEL एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है किस तरीके का डिपार्टमेंट है। 2020 की सबसे पहली भर्ती है जो BHEL में आई है अप्रेंटिसशिप की। यहाँ पर ट्रेड्स आप देख ले, विद्युतकार यानी इलेक्ट्रिशियन, फिटर है आपका, मशीनिस्ट, कंपोजिट है, वेल्डर है, टनर, कंप्यूटर, ड्रॉट्समैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, उसके बाद जो है मैकेनिक मोटर व्हीकल जिसे MMV बोला जाता है, उसके बाद मशीनिस्ट, ग्राइंडर है, मेसन की ट्रेड बहुत कम निकलती है, देखो मेसन की निकली है, उसके बाद पेंटर है जो जनरल है, कारपेंटर है और प्लम्बर है। टोटल मिला के 550 यहाँ पर वैकेंसीज है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया रखा है 10वीं पास आपको होना चाहिए और आपका ITI क्लियर होना चाहिए, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जो इन्होंने बोला है कि सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय परीक्षा ITI में न्यूनतम 60% अंक तथा जो SC ST है उनके लिए 55% का क्राइटेरिया रखा हुआ। इससे नीचे आपके नंबर है तो आप इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते, ध्यान रखना। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ITI व्यक्तिगत अभ्यर्थी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में किया है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल जाएगा, लेकिन प्राइवेट जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है वहाँ से नहीं किया होना चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। आपका जो है यहाँ पर रेगुलर होना चाहिए, चाहे आपने प्राइवेट से किया हो चाहे आपने गवर्नमेंट से किया हो, ठीक है। और जिन बच्चों ने अपना ITI जो है कन्वर्ट करवाया SCVT से NCVT में, क्योंकि हो जाता है बहुत जगहों पर कन्वर्ट, तो वो भी नहीं चलेगा। आई होप कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। आपका यहाँ पर जो है इन्होंने बोला हुआ है, ऐसे आवेदक जिन्होंने ITI की परीक्षा मार्च के पूर्व प्राप्त 2017 के पहले किया है तो वो जो है इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते। उसके बाद ये आप देख सकते हैं किस किस कैटेगरी में इन्होंने वैकेंसीज को बांटा गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है इसका फॉर्म 3-4 तरीके से फिल होगा, ध्यान रखना। आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद जो है यहाँ पर इसका फॉर्म आप लोगों को BHEL के ऑफिशियल साइट से फिल करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको जो है यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट सर्च होता है उसमें भी जाके फॉर्म को फिल करना पड़े, उसके अपडेट मैं आपको बाद में दूंगा, बट मुझे पता चलना चाहिए कि MP के बच्चे कितने हैं ताकि मैं आप लोगों को अपडेट दे सकूं। आप स्टाइफंड का स्ट्रक्चर देखें, ज़्यादा नहीं है, कहीं आप सोचे बहुत ज़्यादा स्टाइफंड मिलेगा, लेकिन BHEL एक अच्छा डिपार्टमेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि आप जो है कैसे आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको BHEL की साइट से फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद जो इस फॉर्म को आपको डिपार्टमेंट में पहुंचाना पड़ेगा ऑफलाइन जो होगा। ऑफलाइन कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, ये प्रॉपर तरीके से एड्रेस लिखा हुआ है, और इस चीज़ की चिंता मत करना। अगर आप चाहेंगे तो फॉर्म की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मैं जो है आपको लेकर चलता हूँ इनकी यहाँ पर ऑफिशियल साइट पे, और जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे उसका प्रिंटआउट जरूर ले लेना, क्योंकि वही प्रिंट आपको भेजना पड़ेगा डिपार्टमेंट में। बढ़ते हैं ऑफिशियल साइट की ओर। ये इनकी ऑफिशियल साइट है और साइट भी इन्होंने अच्छी बनाई है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 6/1 को फॉर्म चालू हुआ, 31/1/2020 तक आप फिल कर पाएंगे, और जो है लास्ट डेट जो आप भेजेंगे डिपार्टमेंट में वो 10/2/2020 तक रखी हुई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है, ये एडवर्टाइजमेंट का, ये इंस्ट्रक्शन का, और ये इनके फॉर्मेट का है, ठीक है। और बाकी ये जो है इनका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर आगे के प्रोसेस समझ आ जाएंगे, सब चीज़ यहाँ पर गिवेन है। वैसे बाकी आप मुझे बता दो, देखो अप्लाई का ऑप्शन भी आप मुझे बता दो, आप फॉर्म फिल करना चाहते हो नहीं करना चाहते। और बाकी अगर किसी और स्टेट में BHEL में वैकेंसी निकलेगी, आई प्रॉमिस कि आप लोग को अपडेट करूंगा। और BHEL कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है, आप लोग को पता ही है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब करके रखो, ITI से रिलेटेड जो भी आप लोगों के लिए अपडेट आएगी आई प्रॉमिस कि वो आप लोगों को मेरे चैनल पर जरूर मिलेगी। इसके अलावा जो अभी ITI वाले बच्चों का रिजल्ट आया, आई प्रॉमिस कि उससे जो आप लोगों के 0 मार्क्स दिखा रहे हैं
वो क्यों दिखा रहे हैं उसका मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो भाई, सारा सॉल्यूशन तो नहीं दे सकता, बट जो मेरे से हो सकेगा उनके लिए मैं करूंगा। कि जीरो मार्क्स का जो फंडा आ रहा है वो क्या है, ठीक है, उस पर जो है हम थोड़ी चर्चा करेंगे, बट उसके लिए पेशेंस रखो, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, देन आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को अपने इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट करना है या फिर आप लोगों का कोई अलग यहाँ पर क्राइटेरिया है, वो सब आपको बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। इसका लिंक आपको ऑफिस साइट का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साइट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्किंग है, यहाँ से आप लोग को इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, यहाँ से आप लोग को अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।